करीब 14 महीने बाद किसान आंदोलन की समाप्ति को देखते हुए दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर अब आवाजाही के लिए शुरू हो गया है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त हाईवे के ऊपर की दिखा रहे हैं। ये NH-24 हाईवे है और आप देखेंगे यहाँ पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाली सड़क जो है वो पूरी तरीके से खुल गई है और सभी गाड़ियां आपको जाते हुए दिखाई देंगी। वहीं दिल्ली से यूपी जाने वाला रास्ता पहले से भी खुला था और वहां पर अब भी आपको गाड़ियां जाती हुई दिखाई देंगी। वहां पर कोई भी अवरोध जो है वो उत्पन्न नहीं हुआ था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो खास तस्वीरें हैं वो यही है कि उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है वो हमें एक लेन पूरी तरीके से साफ उपयोग में आती हुई दिखाई दे रही है। लगातार 14 महीने से जो उत्तर प्रदेश में या खासकर अगर बात करें NCR में रहने वाले लोग, वो कई तरह की परेशानियां हर रोज यातायात करने में झेल रहे थे। काफी वक्त की बर्बादी उनकी हो रही थी जहां दिल्ली पहुंचना उनके लिए गाजीपुर बॉर्डर बंद होने के चलते मुश्किल हो गया था, लेकिन अब वो मुश्किल से निजात मिलती हुई ये तस्वीरें बता रही हैं और ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाला रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। हालांकि इसके साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि देखिए तीन भागों में ये NH-24 बटा हुआ है। दो भाग आपको इसके इस्तेमाल में आते हुए दिखाई देंगे, एक भाग जो है वो दिल्ली से यूपी जाने वाला रास्ता और दूसरा भाग जो कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाला रास्ता। वहीं तीसरे भाग की भी तस्वीरें देखिए जहां पर अब भी दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं और आपको कुछ CRPF के जवान भी यूनिफॉर्म में वहां पर खड़े हुए दिखाई देंगे। कई सारे यहां पर सीमेंटेड कॉन्क्रीट के जो बैरिकेड्स हैं वो भी दिल्ली पुलिस के लगे हुए हैं। साथ ही साथ कई सारे और जो आमतौर पर बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठे करके रख दिए गए हैं और ये हिस्सा अब भी इस्तेमाल में नहीं आ पाया है। हालांकि जो किसान आंदोलन है उसका बड़ा हिस्सा यहां पर बैठा हुआ था, एक बड़ा जत्था यहां पर बैठा हुआ था, मंच भी इस सड़क पर लगा हुआ था, मेरे दाहिने तरफ मंच लगा हुआ था जो पूरी तरीके से उसका नामो निशान अब हट चुका है। किसान आंदोलन की कोई टेंट हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है, कोई मंच यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये रास्ता फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद है क्योंकि यहां पर दिल्ली पुलिस का कई सारा हमें सामान जो है वो बैरिकेड्स जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए। ये रास्ता भी खुल जाता है तो ट्रैफिक को कहीं ना कहीं ज्यादा राहत मिल पाएगी। और इसी के साथ में हम आपको टॉप एंगल से एक और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जो नीचे वाला रास्ता है जहां पर कई सारी कीले लगा दी गई थी, जहां पर कई सारे कंक्रीट के बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, उस रास्ते को भी फिलहाल खोल दिया गया है। और राहत की बात दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए भी है, जो लोग मंडी जाते थे गाजीपुर मंडी उन लोगों के लिए भी है। तो देखिए आपको साइड में कई सारे बैरिकेड्स रखे हुए नजर आएंगे एक लाइन से और ये रास्ता आप देखेंगे जहां पर आवाजाही शुरू हो गई है। ये जिस रास्ते की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस रास्ते पर बड़ी संख्या में किसानों के छोटे छोटे गुट, छोटे छोटे जत्थे बैठे हुए थे जिसमें ज्यादातर किसान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के थे और वो इस किसान अब पूरी तरीके से यहां से जा चुके हैं, वापसी हो चुकी है किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद। लेकिन अब भी आप देखेंगे ऊपर का रास्ता अब भी जाम्ड है, नीचे का रास्ता फिलहाल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। किसी तरीके की परेशानी उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाले लोगों के सामने अब पेश नहीं आएगी। राहत की सांस उन लोगों को मिल पाएगी जो रोज दिल्ली से यूपी या यूपी से दिल्ली अप डाउन करते थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।